too much, talk too much, talk too much. Just wanted to show you love, show you love, show you love. I didn't wanna hide behind all the thoughts that grab my mind. 'Cause I just wanna wake up in the fleeting night and feel all things we might breathe in the air tonight. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है और आज का हमारा दिन है वो एक किनाल के लग्जरी घर के नाम है। और मैं बता दूं ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है किसी भी घर के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं जिन प्यारे भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये घर अगर देखा जाए फुल ऑफ लग्जरी है और अगर देखा जाए इसमें सारी चीज़ें जो है इंपोर्टेड यूज़ की गई हैं, कोई भी चीज़ लोकल नहीं है। और इनकी चीज़ की क्वालिटी क्रेडिबिलिटी आपको पता चलती है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो आजकल वैसे ज़्यादातर लोग चाइना की भी यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसमें ये है कि कुछ इसमें ये टर्किश कर रहे हैं, कुछ इटालियन कर रहे हैं, डिपेंड ऑन और जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से। ये घर का रिव्यू करने का मकसद एक तो ये है कि ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी है और इसमें जो क्वालिटी और ये कि जो चीज़ जो मटेरियल यूज़ किया है वो आपके सामने है। इससे भी अच्छे अच्छे कई घर इंशाल्लाह आपके लिए और लाते रहेंगे और बड़े घर। और मैं बता दूं घर में जो है साइज़ नहीं होता कि एक किनाल है, दो किनाल है, चार किनाल है। घर में ही सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, मटीरियल क्या यूज़ किया है। अब आप देखें आपको पता चलता है शैंडिलियर देखें ये चीज़ है, इसके बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं ये क्या है, ये शैंडिलियर होता है। काफ़ी लोग को नहीं पता होता, जब शैंडिलियर भी बोले इवन उसके इनको नहीं पता होता। बाकी देखा जाए घर काफ़ी खूबसूरत है और हर चीज़ का काफ़ी ख्याल किया गया, हर चीज़ को काफ़ी खूबसूरती ब्यूटी से बनाया गया है और हर चीज़ इम्पोर्टेड है और जिसकी वजह से कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है घर की। और ये चीज़ें बता दूँ लाइट का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, इम्पोर्टेड लाइट्स, सिर्फ लाइट्स नहीं इम्पोर्टेड लाइट्स, जो कि एक मेरा ख्याल है अच्छी बात है क्योंकि आजकल अगर आपके पास पैसे हैं लोग यही चीज़ें पसंद करते हैं। हर कमरे में अगर आप देखें खुले डुले कमरे हैं, बट ये है कि ये इसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है आप अगर आप डीएचए लाहौर में घर है फेज़ 5 में, तो इनके ये कि जाहिर सी बात है कमरों का हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है और एक डीएचए के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। आप हर मतलब चीज़ नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। बाथरूम का जहाँ तक ताल्लुक है तो बाथरूम भी फुल ऑफ लग्जरी है और इसको बाथरूम भी बोलते हैं, वॉशरूम भी बोलते हैं। और बटन्स की भी क्वालिटी देखें पता चलता है आपको कि आजकल ये चल रही हैं इंपोर्टेड चीज़ें हैं क्योंकि हमारी लोकल में इस तरह के नहीं आते स्टैंडर्ड्स या इस तरह की क्वालिटी। बाकी आपके सामने हर चीज़ इंपोर्टेड है और हर चीज़ जो टाइल मार्बल फिनिशिंग हर चीज़ इसमें जो है इवन ये जो बल्ब इलेक्ट्रॉनिक सारा कुछ देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत है और मेरा ख्याल है अच्छी बात है। इसके बारे में बता दूं टब के बारे में, ये लगवा तो काफ़ी लोग लेते हैं शौक से, बट ये कोई हमारे एनवायरनमेंट या हमारे लोगों के हिसाब से इतना प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के देखा है टब होता है बट वो ये इसको यूज़ नहीं कर पाते या वो ख़राब हो जाता है। इनकी एक तो मेंटेनेंस की वजह से भी लोग काफ़ी जो है ये चीज़ें यूज़ नहीं सही कर पाते क्योंकि इन चीज़ों की मेंटेनेंस होती है पूरी। बाकी टब में भी देखा जाए हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। एक चीज़ ये बहुत चल रही है दीवारों में आजकल, इस चीज़ का बहुत ट्रेंड है और इस चीज़ का काफ़ी फैशन है ये दीवारों में आजकल, जिसे कहते हैं ये आप कह लें सोफ़ा, इसको काफ़ी लोग कहते हैं कि दीवारें सोफ़ा बनी हुई है, बट ऐसी बात नहीं है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें ये कि एक पेंट का आपका मसला हल हो जाता है कि पेंट सी पेज या कल को दीवारें आपकी ख़राब होती हैं तो ये चीज़ें हैं कि ये ख़राब नहीं होती, ये चलती रहती हैं, एक पैसे इसमें थोड़े खर्चने पड़ते हैं। बाकी आजकल ये काफ़ी चल रहे हैं वुडन, अगर देखा जाए इनको वुडन टाइल्स बोलते हैं बेसिकली, ये छोटे छोटे पीसेस में होती हैं और हर चीज़ का अगर आप देखा जाए घर में ख्याल रखा गया है।
वुड का भी काफ़ी यूज़ है, और महंगी वाली वुड है, अच्छी वाली वुड है जो ख़राब नहीं होती। बटन्स की क्वालिटी, हर चीज़, घर की फिनिशिंग आपको पता चलती। एक चीज़ जो इस घर के बारे में मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है, ये देख रहे हैं पहले आते थे फ़ोन आते थे, अब ये चीज़ें नहीं आ रही, ये जस्ट आपने एक टच किया, ये देख रहे हैं आपको कैमरा, आपको बाहर का व्यू नज़र आ रहा है, आपको बाहर का कोई भी है व्यू नज़र आ रहा है, आप यहाँ से उसे बात कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आप यहीं से उसको जो है वो देख सकते हैं कि कौन बंदा है। बाकी हर चीज़ में, घर का हर चीज़, हर इसकी चीज़ में काफ़ी ख्याल किया गया है, हर चीज़ इम्पोर्टेड है और महंगी से महंगी है, और जो कि मेरा ख्याल है ये चीज़ें चलती भी हैं, क्योंकि हमारे लोकल में कोई ऐसा जितनी अच्छी कोई चीज़ें इस क्वालिटी की, स्टैंडर्ड की नहीं आती। हर चीज़ आप देखें, कमरे भी जो DHA के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, उसका जो सारा कुछ है। और एक और चीज़ देखी जाए, ये चीज़ काफ़ी लोग पूछते हैं, शीशा इसका ये है कि हमारे थोड़ा सा मेंटेन करना ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। और जकूजी आजकल चल काफ़ी रही है, बट उसमें भी यही है कि वो उसका जब तक आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे, यहाँ हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। एक चीज़ जो इस घर के बारे में, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है, लाइट देख रहे हैं आप, इसको टच करें, इसको एक बार टच करें, ये इसमें ये कि साइडों पर इसकी लाइट जल जाती है, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फीचर है। जहाँ तक किचन का सवाल है, तो किचन में भी हर चीज़ देखा जाए इम्पोर्टेड यूज़ की गई है, और जैसे आप देख सकते हैं ये बारबेक्यू के लिए होता है, ये आजकल चल रहे हैं, आजकल जरा पुराने चूल्हों का ट्रेंड ख़त्म हो गया है, तो उसकी वजह से ये अगर देखा जाए, ये भी ये मतलब इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसमें कोई चीज़ ऊपर रखें तो वो गर्म हो जाती है, और इसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। हर चीज़ आप देखें, हर चीज़ इम्पोर्टेड है, और पता चलता है इसकी क्वालिटी, इसकी खूबसूरती, इसकी ब्यूटी। ओवन देखा जाए तो ओवन भी काफ़ी अच्छा है, और अगर देखा जाए इम्पोर्टेड है, और ये चीज़ आजकल काफ़ी आपको लगता अलमारी है, बट ये अलमारी नहीं होती, इसमें ये आजकल ये फैशन चल रहा है। फ्रिज है, इसी तरह दोनों साइड पे होता है आजकल, ये काफ़ी चीज़ें इन है, और ये इनका बस ये मेंटेन करना पड़ता है, और ये कि अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और ये कि हमारे अब तो आप देख सकते हैं किचन में भी AC आ रहा है, और जो कि मेरा ख्याल है होना चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं अफोर्ड कर सकते हैं लाजमी करें, क्योंकि जो खाना बनाता है, ये तो बात सच है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो इधर जो टेम्परेचर होता है उसमें कोई शक नहीं, बट देखा जाए अगर, तो ये फैशनी किचन में आता है, इस सारे किचन को फैशनी किचन में कहा जाएगा, और क्योंकि असल जो हमारा किचन है, असल जो आप लोग कह लें हमारे, हमें जो आदत शुरू से पड़ी हुई है वो इस किचन की है, वो इस किचन की है, देख रहे हैं हर चीज़ सादी सादी, अगर आप देखें थोड़ा आपको लगेगी, और छोटा सा है क्योंकि हम लोगों को आदत इस चीज़ की पड़ी हुई है। मेन डोर देखा जाए तो मेन डोर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, और आपको भी नज़र आ रहा है एक अच्छी वुड यूज़ की गई है, वुड के साथ साथ देखा जाए तो शीशा का यूज़ भी काफ़ी अच्छा अंदर किया गया है, और काफ़ी है अगर देखा जाए मुश्किल काम है। मार्बल देखी जाए, मार्बल भी इम्पोर्टेड है, आपको पता चलता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मैंने बताया इम्पोर्टेड ही यूज़ हो रही है हर घर में, सीढ़ियों का आजकल ये काफ़ी ट्रेंड आया हुआ है। एक चीज़ जो इस घर के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है शैंडिलियर, ये इम्पोर्टेड है और काफ़ी खूबसूरत, इसमें अगर देखा जाए गोल लाइट्स का काफ़ी अच्छा इसमें यूज़ किया गया है, और ये भी देखा जाए अगर दीवार साथ वाली जो दीवार है इस पर वॉलपेपर के ऊपर काफ़ी अच्छा खूबसूरत लग रहा है, ग्लास की काफ़ी अच्छी ये चीज़, ये इसमें ये कि फिनिशिंग भी की गई है, और इसकी क्वालिटी, इसके स्टैंडर्ड्स आपको पता चलता है। और जहाँ तक बेडरूम का ताल्लुक है, तो ये 5 बेडरूम घर है, 1 किनाल का घर है, DHA में है, DHA Phase 5 में आता है ये घर, और प्राइस भी इसको आपकी बताएंगे, प्राइस भी इसकी बताएंगे आपको, रिवील करेंगे आखिर में वीडियो के। और जहाँ तक बाथरूम का सवाल है, तो बाथरूम भी देखा जाए फुली आप, अब मैं एसेसरीज तो नहीं कह देता, बट फुल ऑफ जिसे कहते हैं इंटरटेनमेंट है, और फुल ऑफ मॉडर्न फीचर्स है जो कि आजकल होने चाहिए, मतलब यही आजकल अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी चीज़ें ज़रूर, आप ये चीज़ें ज़रूर लगवाएं, ज़रूर इन्जॉय करें। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते हैं, ये चीज़ आजकल काफ़ी इन है शीशे का फैशन, बट अगेन वो एक बात ज़रूर है, इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी एक चीज़ है, काफ़ी लोग पूछते हैं ये भाई नहाने की जगह है, बट एक चीज़ इसमें है कि अब आप पूछेंगे इसका शावर किधर है, शावर देखा जाए तो ऊपर है, ये शावर आपको नज़र आ रहा है, शावर देखा जाए ऊपर है, क्योंकि अब ये ट्रेंड चला हुआ है, आपने जस्ट ये एक वहाँ से पुश किया और ये शावर है। बाकी आजकल इलेक्ट्रिक फ्लश चल रहे हैं, बट ये नॉर्मल वाला है, उसमें बस ये भी है कि ख़राबी का भी होता है, क्योंकि इतना हमारे इधर अभी कोई चीज़ नहीं है। बाकी शीशों में ये फैशन बहुत चला हुआ है आजकल, ये बटन का आप ऑन ऑफ जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाया है। बाकी मटेरियल का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, हर चीज़ फिनिशिंग और पता चलता है, और देख सकते हैं आप इसमें भी, बेसन में भी, इसकी भी क्वालिटी, हर चीज़ इम्पोर्टेड यूज़ की गई है। और देखा जाए तो ये घर काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, क्योंकि एक मेहनत होती है इसमें लेबर की जो बना रहा होता है, और एक होती है जो पैसे खर्चने वाला होता है, उसकी भी होती है कि अब वो अगर किसी को दे देगा, उस पर भी डिपेंड करता है बंदा कैसा है। तो ये है कि उस पर अगर वो उसको दे देगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो उस स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आजकल ये है कि वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लो क्वालिटी चीज़ें लगाएंगे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उनको लॉस भी काफ़ी होगा।
देखा जाए तो इस घर में बैक टेरेस भी है और आजकल इसका भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है और अच्छी एक सिटिंग एरिया, अगर आपका मौसम अच्छा हो तो बंदा यहाँ शाम को बैठे, झूला भी है, ये भी काफ़ी इसको कह लें फैशन ट्रेंड बना हुआ है बैक टेरेस का। ये टेरेस बैक पे आता है, फ्रंट पे आजकल रही है छोटे टेरेस का फैशन है जो कि चेंज होता रहता है, बाकी हर चीज़ है। अगर इन चेयर्स को देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये धूप बारिश में ख़राब हो जाती होंगी, बट ऐसी बात नहीं है, इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा है और ये बनाई इसलिए गई है कि ऑल वेदर है। ये झूला का भी आप झूले का भी देखें, ये ऑल वेदर है, बट ये कि एक चीज़ मैंने ज़रूर बताया, मेंटेनेंस ज़रूर होती है हर चीज़ की होती है और अगर कभी ख़राब हो रही हो चीज़ें तो आप ठीक करवाएं, बट ये चलती काफ़ी हैं और ये क्योंकि ऑल वेदर है उस हिसाब से एडजस्ट किए हैं और अगर अच्छा मौसम हो आप बैठे हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक प्लेजेंट सा आपको फील आती है। टीवी लॉन्च का ख्याल आता है जहन में तो बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन में भी है घर में, ये टीवी लॉन्च है और काफ़ी अच्छा काफ़ी खूबसूरत है इसकी फिनिशिंग। और सबसे अच्छी चीज़ एक और जो इसके बारे में मुझे लगती है वो इसका शैंडिलियर है, काफ़ी अच्छा है और ये इटालियन शैंडिलियर है जो कि पता चलता है आपको देख के इसकी क्वालिटी। और मैंने जैसे पहले बताया हर चीज़ बड़े प्यार से इम्पोर्टेड यूज़ की गई है और बड़े हर चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया है कि, और ये बताऊँ घर का साइज़ नहीं होता, घर की जो चीज़ें होती है उसकी क्वालिटी होती है, घर का साइज़ नहीं होता कि आपका कितना बड़ा घर है, उसकी क्वालिटी होती है हर चीज़। आप देखें ये इसके लिए ऊपर बेडरूम है, हर चीज़ आजकल की वुड का भी यूज़ हो रहा है, इधर इस जगह पर बेड आता है, काफ़ी लोग का ये है कि इधर क्या है, बाकी आप इस जगह भी रख सकते हैं बट इसकी लोकेशन नहीं बनती क्योंकि साथ वॉशरूम आ जाता है, तो बेस्ट लोकेशन इसकी यही है, टीवी भी आप लगा सकते हैं। और एक और चीज़ है हर चीज़ आप देखें वुड का काफ़ी यूज़ किया गया है, वुड और ये इम्पोर्टेड मार्बल आप देख सकते हैं, कुछ टाइल्स हैं कुछ मार्बल है, हर चीज़ का डिफरेंस है। और बाथरूम में भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती काफ़ी ब्यूटी आपको पता चलता है देख के, ये तो अभी मैं वीडियो में बना रहा हूँ बट ये कि आप इसको आके देखें आपको पता चलता है, आपका दिल खुश हो जाएगा इन चीज़ों को देख के। हर चीज़ आप देखें बटन तक, आजकल के बड़े बड़े बटन का फैशन है और बहुत अच्छी जो मेरे ख्याल बात है वुड काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। ये ऊपर वाली अलमारी है जो कि मेरे ख्याल है सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है और थोड़ा सा इनका मेंटेन का होता है, बस हमारा ज़रा ये मेंटेन से मार खाते हैं लोग, मेंटेन नहीं करवाते चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऊपर देखा जाए काफ़ी अच्छा शावर है और ये काफ़ी अच्छा आजकल ये क्योंकि ग्लास वाला चल रहा है नहाने वाला, एक जो मेरे ख्याल है बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं ये क्या है, ये भाई जो नज़र आ रहा है वही है बिल्कुल, ये टब है, इसको टब भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको जकूजी भी बोलते हैं। और देखा जाए हर चीज़ का इसमें गर्म ठंडे पानी हर चीज़ का ख्याल किया गया है और ये बाहर के हर मुल्कों में ये तो आजकल चीज़ें आम है, ये इतना वहाँ कोई ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये जकूजी होना अच्छी गाड़ियाँ होना ये आम है भाई, ये वहाँ चीज़ें आम है, ये आम है कि हमारे यहाँ ज़रा मुश्किल है। और सेंट्रल का अगर देखा जाए कूलिंग का भी आप सिस्टम कर सकते हैं, एग्जॉस्ट है वो ऊपर है बट इन घरों में नहीं है क्योंकि सेंट्रल कूलिंग का अगर देखा जाए घर सिस्टम जरा काफ़ी महंगा पड़ता है, उसकी वजह से हमारे घरों में लोग यहाँ यूज़ नहीं करते, बट और भी काफ़ी लग्जरी घर हैं DHA में, उन्होंने काफ़ी यूज़ ये सिस्टम लगवाया हुआ है बिल्कुल सेंट्रल कूलिंग सेंट्रल हीटिंग का सिस्टम। देखा जाए तो घर में स्पीकर का यूज़ भी है, हर कमरे में स्पीकर हैं और इसको अगर आप मेन सिस्टम अगर आपने कोई भी लगाया उससे कनेक्ट कर दें तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। और आप कुछ भी इसमें ये कि गाना हर कमरे में गाना लगाया कुछ भी आपने चीज़ लगाई है तो उसकी आवाज़ ज़रूर। ऊपर वाले पोर्शन में किचन की बात की जाए तो बिल्कुल किचन भी है, चूल्हा भी है और बर्तन धोने के लिए एक छोटा सा बेसन टाइप भी है कुछ, बट ये कि नलका नहीं लगा तो हम बेसन नहीं कह सकते। बाकी ये कि कमरे काफ़ी अच्छे हैं, हर चीज़ आप वुड का यूज़ काफ़ी किया गया है और हर चीज़ इम्पोर्टेड है मेरे ख्याल से, हमारे जो वुड है वही लोकल हो सकती है, वुड इंटे रेत मट्टी यही हो सकती है लोकल, बाकी तो हर चीज़ इम्पोर्टेड है आपको पता चलता है। बाकी हर चीज़ की फिनिशिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं आपके सामने है और मेरे ख्याल ये है कि ये अगर आपके पास पैसे हो आप ज़रूर ये चीज़ें इंजॉय करें अवेल करें। वाइट का ये बस सफाई मांगता है, वाइट अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो ये सारा काला हो जाएगा, जो कि इसकी सफाई ज़रा ये वाइट क्योंकि मटेरियल है जो भी है वाइट ना भी हो वैसे दूसरा भी कोई कलर हो बट ये कि वाइट में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है अगर ये गंदा हो जाए तो। गिराज देखा जाए तो गिराज में भी चार गाड़ियाँ आ जाती हैं ईजिली और मेन डोर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। जहाँ तक लॉन की बात की जाए तो लॉन भी ठीक है किनाल के घर के हिसाब से क्योंकि यहाँ हर चीज़ मैंने बताया आपको क्योंकि DHA के जो उनकी लिमिटेशन है उसको ख्याल करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का एक रिव्यू जो मेरा पहला रिव्यू है घर के किसी भी बारे में, लग्जरी घर है घर तो नहीं इसे कह सकते, एक लग्जरी घर है आपको पसंद आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की काफ़ी चीज़ें क्योंकि मेरा फर्स्ट रिव्यू था काफ़ी चीज़ें अभी मिसिंग होगी रह गई होंगी जो कि अगर आप जान मेरे से ज़्यादा जानते हैं आप लाजमी मुझे बताएं कमेंट्स में। बाकी मेरी कोशिश यही थी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाई काफ़ी बताई और इंशाल्लाह ऐसी और वीडियोज़ लाते रहेंगे। जहाँ तक प्राइस का ताल्लुक है तो इस घर की प्राइस
7 करोड़ 35 लाख रुपए आस्किंग है, बाकी ये है कि आप निगोशिएबल है बट थोड़ी ही है। और लोकेशन की बात की जाए तो ये DHL लाहौर में है, ये घर DHL लाहौर फेज 5 में आता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने इसका ना इनका नंबर लेना हो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको दे दूँगा। और ये है कि इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें लाजमी, और हर जगह इसे शेयर करें, कोशिश करें। और जो बात हो नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ ना किया करें, जो बात हो हम आपको ज़रूर बताएंगे, कोई किसी अगर कोई गिला हो वो भी हम इंशाल्लाह आपका दूर करेंगे। इसमें भी काफ़ी कमियां रह गई होंगी क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैंने कोशिश पूरी की बट ये मेरा फर्स्ट रिव्यू था किसी भी घर के बारे में। इंशाल्लाह ऐसे जैसे जैसे चीज़ें अरेंज होती जाएंगी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे और रिव्यूज़ लाते रहेंगे, घरों का भी करेंगे आगे, गाड़ियों का भी करेंगे और सारा कुछ साथ साथ चलाएँगे। और यही है कि दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।